चक्र क्या है, बादल कैसे बनते हैं, संघनन क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी एक्टिविटी, कुछ पल की एक्टिविटी से हम समझ लेते हैं। देखिए, मेरे पास ये, मैंने गर्म पानी ले लिया और मैं गर्म पानी को इस ग्लास में डाल रहा हूँ। आधे से अधिक मैंने ग्लास गर्म पानी से भर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक खाली ग्लास है, इस खाली ग्लास को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने खाली गिलास इसके ऊपर रख दिया, नीचे गर्म पानी है, ऊपर खाली गिलास है और इसके ऊपर ये यहां मैं बर्फ जमा देता हूं, बर्फ रख देता हूं। ये मैंने कुछ बर्फ यहां पर रख दी है। देखिए अब क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखिएगा। नीचे गर्म पानी है, ये गर्म पानी की भाप कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर जाने पर वातावरण ठंडा है तो ये ठंडी हो रही है, ठंडी होकर ये जल की बूंदों के रूप में देखिए दीवार पर इस तरह से आना शुरू हो गई है। इस ग्लास की बिल्कुल पास में से आकर देखेंगे तो ग्लास की दीवार पर आना ये शुरू हो जाएगी, बाद में ये बूंदें बड़ी होती चली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि बिल्कुल आपका जल चक्र भी ऐसे ही पूरा होता है। यहाँ क्या होता है, नीचे वायुमंडल में हमारा जो निचला वायुमंडल, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, जैसे सनलाइट आपकी पॉन्ड्स पर गिरी, आपके जल के स्रोतों पर गिरी तो क्या होगा, वो जल वाष्प जो है गर्म वाली स्थितियों में कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर जाकर वो क्या होगी, ऊपरी वायुमंडल की ठंडक से वो ठंडी होगी और जब ठंडी होगी तो वो क्या होगा कि जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जल कणिकाओं के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आने लग जाएगी और वहाँ बादलों का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब बादलों का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में फिर वो बूंदें जब बड़ी होने लग जाती है तो बड़ी बूंदों के रूप में इस तरीके से वो वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आती है, फिर नीचे से वापस वाष्पीकरण होता है। ये प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। तो हम इसको बहुत मज़ेदार एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये इस तरीके से जैसे बादलों का निर्माण हो रहा है, ये प्रोसेस हम समझा सकते हैं कि ये देखिए बादलों का निर्माण इस तरीके से हो रहा है और ये वापस जो है पानी कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। तो नीचे से ये भाप बनकर ये आप कहें कि वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जा रहा है, ऊपर से ये संघनित हो रहा है। संघनित होने का मतलब है कि ऊपर जाकर ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर वापस कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। आइए इसको और नजदीक से देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए आप इस तरीके से हमारा जल चक्र पूरा होगा और इसी तरीके से संग्रहण की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं, बादलों के निर्माण को समझा सकते हैं। क्या लगा हमारा, कांच के दो ग्लास और उसके साथ में क्या है, गर्म पानी और थोड़ी सी बर्फ। और इस पूरी एक्टिविटी को जब आप स्टूडेंट्स के बीच में ले जाएंगे, क्लास सिक्स के स्टूडेंट जल चक्र को समझेंगे, संघनन बड़े बड़े बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो इस प्रोसेस को समझेंगे और बादलों का निर्माण कैसे होता है ये एक मजेदार एक्टिविटी समझ लेंगे। धन्यवाद।